देखिए, हमारी बॉडी काम करती है ग्लूकोज पे. हम ये तो हम सबको पता है कि ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी उस पर काम करती है. कीटो डाइट में हम करते क्या हैं, बॉडी का मैकेनिज्म शिफ्ट कर देते हैं कीटोन्स पे. यानी कि वही बॉडी जिसको हम पहले चावल रोटी वगैरह देते हैं और वो उससे एनर्जी अपनी निकालती है और उससे काम करती है, वो फैट से काम करना शुरू कर देती है. फैट कॉन्टेंट हमने हाई करना है. लेकिन इसमें होता है कि अल्लाह ताला ने एक हमारा नेचुरल निज़ाम बनाया हुआ है, कुछ सोच के बनाया हुआ है. ज़ाहिर है एक नेचुरल चीज़ है. जितना बॉडी पे पहले से स्टोर्ड फैट है वो यूज होने लग गया है जितने आप काम कर रहे हैं उसके लिए. लेकिन इसका मसला ये आता है कि जैसे मैंने पहले कहा, अल्लाह ताला ने हमारा एक सिस्टम बनाया हुआ है और कुछ सोच के बनाया हुआ है. हमें नहीं पता कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें मिल सकते हैं. सबसे पहला इसका साइड इफ़ेक्ट हमारी हार्ट हेल्थ पे आता है, क्योंकि फैट आप ज़्यादा कर रहे हैं. फैट आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हार्ट हेल्थ को तो ज़ाहिर है वो डिस्टर्ब करेगा. बिल्कुल ऐसे ही है. शॉर्ट टर्म में वो नहीं करता. हमें लगता है कि नहीं, इतना हार्ट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती हैं, आप 3 महीने कीटो डाइट करके चेक करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट्स हैं वो हार्ट की बेहतर हुई होती हैं. हार्ट लेवल आपका बेहतर हुआ होता है, हार्ट की हेल्थ बेहतर हुई होती है. वजह यह है कि जहाँ आपने 20 किलो कम किया है तो हार्ट की हेल्थ तो बेहतर हुई होगी ना. बहुत सारी शुगर भी कंट्रोल, जब आप कार्ब्स ही नहीं ले रहे तो शुगर तो आपकी कंट्रोल हो जाएगी. बट ये लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है, ये 3-4 महीने तो चलती है, उसके बाद फेलियर शुरू हो जाता है. अच्छा, इसमें